हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पोको X5 प्रो डाउनग्रेड। तो गाइस, अगर आपके पास यहाँ पर पोको का गाइस यहाँ पर कोई भी फ़ोन है गाइस, अगर आपका यहाँ पर खास करके गाइस आपका यहाँ पर पोको X5 प्रो गाइस यहाँ पर फ़ोन है गाइस, अगर आप यहाँ पर उसमें अपना 14 वर्जन जो गाइस यहाँ पर न्यू वर्जन था गाइस, अगर आपने उसमें अपडेट कर चुके हो और गाइस अपडेट करने के बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आप उसे 13 वर्जन में डाउनग्रेड करना चाहते हो फिर से, तो कैसे डाउनग्रेड कर सकते हो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको यहां पर ड्रॉइड फिक्स लैब ऐप में आ जाना है। ये ऐप की लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे ही गाइस आप ये ऐप में एंटर करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। गाइस आपको यहां पर फर्स्ट वर्जन अनइंस्टॉल करके शो हो रहा होगा, सिंपली से आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गाइस तो आप उस पर क्लिक कर दोगे तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ये जो ऐप है ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है गाइस यहाँ पर आपके कौन से वर्जन का गाइस यहाँ पर फ़ोन है। तो गाइस यहाँ पर जो मेरा फ़ोन है यहाँ पर OS वर्जन एंड्रॉयड 14 है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर मुझे इसे 13 में डाउनग्रेड करना है, तो यहाँ पर नीचे इसे 13 पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के गाइस यहाँ पर डाउनग्रेड वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही गाइस यहाँ पर डाउनग्रेड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा डाउनग्रेड का प्रोसेस है जो गाइस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस आपको यहाँ पर वेट करना है गाइस, आपने यहाँ पर जो वर्जन जो गाइस यहाँ पर 13 वर्जन जो सिलेक्ट किया है गाइस, यहाँ पर उसकी जो फाइल है गाइस यहाँ पर डाउनलोड होगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड होगी जिसका नाम है बोट लोडर डाउनलोड इन प्रोग्रेस। तो गाइस इसी तरीके से आपकी यहाँ पर फाइल डाउनलोड होगी एंड गाइस यहाँ पर आपको बस वेट करना है गाइस। यहाँ पर ये जो ऐप है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके गाइस ये ऑटोमेटिकली जो है आपके वर्जन को जो है डाउनलोड कर देगा। तो गाइस आपको यहाँ पर जब आपके डाउनलोड का प्रोसेस चल रहा होगा तो गाइस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर अपने फ़ोन के नेट को ऑन रखना है, क्योंकि गाइस अगर आपके फ़ोन का नेट ऑफ होगा तो गाइस यहाँ पर आपका जो है डाउनलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि गाइस ये जो प्रोसेस है सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। एंड गाइस एक चीज़ का और ध्यान रखना है गाइस, जब भी आप अपने वर्जन को जो है डाउनग्रेड करना चाहते हो तो गाइस कम से कम अगर आप डाउनग्रेड करना चाहते हो उससे पहले अगर आपके फ़ोन में 80% के अबव बैटरी होनी चाहिए, तो गाइस तभी जो है आप अपने वर्जन को जो है डाउनग्रेड कर पाओगे। अगर 80% कम में गाइस डाउनग्रेड करने की कोशिश करोगे तो प्रॉपरली डाउनग्रेड नहीं हो पाएगा। एंड गाइस काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है, क्या अगर हम हमारे वर्जन को जो है डाउनग्रेड करेंगे तो क्या हमारा फ़ोन जो है रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी हमारे फ़ोन की जो चैट्स कॉल्स गाइस सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी? तो नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो जैसे ही गाइस आपका यहाँ पर डाउनग्रेड का प्रोसेस जो है गाइस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा डाउनग्रेड सक्सेसफुल, यूआर डिवाइस वर्जन डाउनग्रेड हैज़ बीन सक्सेसफुल। तो गाइस आपको यहाँ पर जो है आपके फ़ोन का जो वर्जन जो है डाउनग्रेड हो चुका है। तो गाइस सिंपली से आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ही गाइस यहाँ पर आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप गाइस आपका जो फ़ोन है यहाँ पर एक बार स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ होने के बाद गाइस ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर ये जो है फ़ोन जो है ऑन हो चुका है। तो गाइस चलिए अब जाके चेक कर लेते हैं हमारा वर्जन जो है फ़ोन का जो है वो डाउनग्रेड हुआ है क्या नहीं। तो सबसे पहले ड्रॉइड फिक्स लैब ऐप में आ जाएंगे। ऐप में आने के बाद गाइस यहाँ पर हमें फिर से वर्जन अनइंस्टॉल पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गाइस यहाँ पर वर्जन अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा OS वर्जन एंड्रॉयड 13। तो गाइस यहाँ पर पहले था OS वर्जन एंड्रॉयड 14। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो फ़ोन है मेरा फ़ोन जो है यहाँ पर 13 वर्जन में डाउनग्रेड हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आपको एक बात बतानी है गाइस, यहाँ पर हमने जो इस ऐप के थ्रू यानी ड्रॉइड फिक्स लैब ऐप के थ्रू गाइस यहाँ पर हमने जो है हमारे वर्जन को जो है डाउनग्रेड किया है। तो गाइस यहाँ पर ये जो ऐप है ये पेड ऐप है, यानी अगर आपको ये ऐप में अपने फ़ोन के वर्जन को डाउनग्रेड करना है तो यहाँ पर आपको कॉइन परचेस करना होगा, फिर आप जो है वर्जन को डाउनग्रेड कर सकते हो। कॉइन कैसे परचेस कर सकते हो, सिंपली आपको ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करना है, 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको कॉइन रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गाइस उस पर क्लिक कर दोगे तो गाइस आप यहां पे देख सकते हो मिनिमम आपको 10 कॉइन से लेके 100 कॉइन तक परचेस करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइस आपको यहां से कॉइन परचेस कर लेना है गाइस, कॉइन परचेस करने के बाद गाइस फिर जो है आप अपने वर्जन को जो है अनइंस्टॉल कर पाओगे। गाइस ध्यान रखना है अगर आप कॉइन परचेस नहीं करोगे गाइस, यहां पर ये ऐप जो है फ्री ऐप नहीं है, पेड ऐप है।
तो गाइस आपको यहाँ से कॉइन परचेस कर लेना है। तो गाइस देख सकते हो कैसे मैंने अपने फ़ोन से ही घर बैठे बैठे अपने फ़ोन के वर्जन को जो है डाउनलोड किया है गाइस। तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो गाइस, बस जो स्टेप बताया वो स्टेप को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, 100% आपका भी डाउनलोड हो जाएगा। और गाइस देख सकते हो मेरा जो फ़ोन है यहाँ पर पूरी तरीके से पहले की तरह है और मेरा फ़ोन जो है पूरा वर्क कर रहा है। तो गाइस अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट करें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।